वेल हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर भाई मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाती है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए आए हो, और वीडियो को ज़रूर अंत तक पूरा देखें। क्यों देखें? क्योंकि भाई एक ही वीडियो देखने से कभी भी डिटेक्टर की जानकारी नहीं मिलती, और अगर आपको जानकारियां चाहिए डिटेक्टर से रिलेटेड, डेप्थ से रिलेटेड या सारी बातों से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे अपने सवाल लिखना, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा वो आपके सवाल और मेरे जवाब यानी कि मेटल डिटेक्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिन जिन के जो जो सवाल हों वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख के मेरे को डाल सकते, क्योंकि आपके कमेंटों के जवाब के साथ एक वीडियो अगला मैं बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना, आप भाई कमेंट लिखना शुरू कर दो, जो भी आपके सवाल हो वो लिखना शुरू कर देना, और इस वीडियो को पूरा देखना। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपका वाइट के M6 यानी कि मैट्रिक्स M6 जो आता है वाइट का, जिसके बारे में मैंने आपसे बार बार बोला था कि आपने देखा होगा MX7। अब भाई MX7 के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन इससे पहले एक डिटेक्टर वाइट कंपनी ने बनाया था जो था M6 मैट्रिक्स, यानी कि ये जो डिटेक्टर था ये काफ़ी अलग तरीके का डिटेक्टर था, और वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर ये एक ऐसा डिटेक्टर था जो एक अलग लेवल पे काम करता, यानी कि मैट्रिक्स अपने मतलब खुद के सिद्धांतों के ऊपर ये काम करता है। इस डिटेक्टर की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये जो डिटेक्टर है ये वर्ल्ड की मतलब समझ रहे हो, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी कि पूरी तरह से शांत होकर चलने वाली मशीन है। यानी कि अभी तक आपने देखा होगा कई सारी मशीनें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस यानी कि भाई बिजली के तार गए हों, या फिर लोहा, या फिर मेटल ज़्यादा हो कमरे के अंदर, या कचरा ज़्यादा हो किसी भी फील्ड पे, तो वहाँ पे इरेटिकली बिहेव करते थे। लेकिन ये जो डिटेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और साइलेंट यानी कि चुपचाप हो जाता है। किस तरीके से, यानी कि आप भाई अभी तक ग्राउंड फ्लोर पर टेस्टिंग करोगे, यानी कि भाई ग्राउंड पे आप टेस्टिंग करने गए तो भाई लोहा वोहा होता नहीं है, लेकिन दूसरी मंजिल पे जब आप किसी घर की टेस्टिंग करते हो तो सरिये लगे रहते हैं पूरे घर में, लेकिन उन सरियों की वजह से कई डिटेक्टर आड़ा टेढ़ा बिहेव करते हैं। लेकिन ये एक लौता डिटेक्टर है जो सेकेंड फ्लोर पर भी आप जब आयरन इसमें बंद करते हो तो बिल्कुल भी आयरन पर नहीं बचता, यानी कि पूरी तरह से ये आयरन को इग्नोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसी वजह से ये जो डिटेक्टर है M6 ये कचड़े वाली साइड में काफ़ी अच्छा ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर है। और क्यों है ये अच्छा, उसके बारे में मैं आपको अभी बता दूं, इसके बाद मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग का भी वीडियो इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये 14 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे सबसे पहले तो काम करता है। अब 14 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है तो कॉइन और ज्वेलरी के लिए सबसे अच्छी मानी जाने वाली फ्रिक्वेंसी होती है, और इस फ्रिक्वेंसी से आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अच्छी ज्वेलरी यानी कि आपकी मिलावटी ज्वेलरी, यानी कि भाई थोड़ा बहुत कॉपर मिली हुई ज्वेलरी या सिल्वर मिली हुई ज्वेलरी बनती है। जैसा आपको पता होगा 24 कैरेट सोने से कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती, हमेशा 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट इस तरह से तो बना सकते हो थोड़ा मिला जुला के, क्योंकि सोना जो होता है वो पतला होता है, लचीला होता है, उसको कड़कपन देने के लिए थोड़ा बहुत खोट मिलाई जाती है। तो उस तरह की ज्वेलरी को ढूंढने के लिए ये डिटेक्टर काफ़ी अच्छा है, यानी कि आप इससे सारे मेटल ढूंढ सकते हो, मेटल यानी सारी की सारी धातुएं आप इस डिटेक्टर से निकाल सकते हो, और जो भी धातु आप ढूंढना चाहते हो इस डिटेक्टर में आपको क्लियरली दिख जाएगा। अब इसमें किस तरह से दिखेगा भाई, इसके अंदर चलती है डिजिटल VDI वैल्यू, यानी कि एक तरह से हम देखें तो कोई भी धातु जब गढ़ी होती है तो वो अपने आप में एक करंट बनाती है, और जो करंट वो बनाती है उसकी रीडिंग जो होती है वो डिटेक्टर की स्क्रीन पे दिखती है। अब कोई भी धातु हो, अगर लोहा जंग लगा और ज़्यादा खता है तो उसकी वैल्यू जो होगी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, लेकिन डिटेक्टरों में फंक्शन आते हैं, जैसे कि इस डिटेक्टर के अंदर भी कई फंक्शन दिए हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये लोहा है या ये चांदी है या ये एल्यूमिनियम और गोल्ड है। तो इस तरह की VDI वैल्यूएशन हर एक डिटेक्टर में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो जो M6 है ये अपने सिद्धांतों पे काम करता है, काफ़ी स्मूथ और चुपचाप रहने वाली मशीन है। अगर आप कचड़े की साइटों पे जा रहे हैं या पुराने घरों के इधर जा रहे हैं
तो ये मशीन आप लोगों के लिए बनी हुई है। क्यों? क्योंकि भाई घर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हमेशा होता है। अगर आप किसी भी पुराने घर में ढूंढने जा रहे हैं तो ये मशीन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। अब आपका सवाल होगा अगला कि सर ये डेप्थ कितनी देगी, तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको यहीं बता दूं कि M6 जो है लगभग 5 से 7 फिट के बीच में काम कर जाएगी। यानी कि 5 से 7 फिट पर काम किस तरह से करेगी, जब कोई धातु का सामान बड़ा होगा ठीक, उसकी क्वांटिटी यानी कि जो उसके अंदर धातु लगी होगी उसकी जो मात्रा होगी ज़्यादा होगी और वो काफ़ी सालों से गड़ा होगा, तब ये 5 से 7 फिट काम करेगा। अब आप सोचो कि एक कान की झुमकी मैं गड़ा दूं और 5 फिट पकड़े, ऐसा नहीं होता। जो डेप्थ होती है डिटेक्टरों की वो चलती है धातु की क्वालिटी यानी कि धातु कितना प्योर बना हुआ है। जैसे कि सोना है 24 कैरेट में है या 22 में है इस तरह से, ठीक चांदी है तो कितने कैरेट में है ठीक इस तरह से, तो उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा भाई कितनी मात्रा में है, कितना वजनदार है, 1 किलो का है, 5 किलो का है, 10 किलो का है, इस तरह से उसकी मात्रा। और उसके बाद उसका शेप, अब शेप यानी कि भाई किस आकार में वो बना है। अब मान लो एक सरिया है तो पतली सी राड होती है, अब भले वो 10 किलो की भी राड हो लेकिन जो उसका टिप है पॉइंट है यानी कि ऊपर का जो राड का सिरा होता है वो रहेगा तो भाई पतला ही ना, 2-3 mm का, तो भाई वो उतना ही डिटेक्टर पर कैच होगा। लेकिन जहाँ पे एक थाली आए, अब वो गोल है उसका आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो डिटेक्टर की कॉइल पे पूरी तरह से आ रहा है, अब उसमें वजन भी ज़्यादा है तो उस चीज़ को और भी गहरे से उठाता है। तो यहाँ पे जो डेप्थ होती है वो मैं एक बार फिर इस वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ ताकि कोई अगली बार मुझसे सवाल ना करे कि कितना गहरा जाएगा। तो ध्यान रखना धातु के आकार पे, धातु के साइज पे, धातु की मात्रा पे डिपेंड करता है डिटेक्टर कितना जाएगा। जो भी धातु के सामान को डिटेक्टर नए पे पकड़ता है उसका दुगना वो पुराने पे पकड़ता है। तो ये चीज़ इस वीडियो के अंदर एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे को एक बात और बताना दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं एक किताब लिखूँ आप लोगों के लिए? मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं एक किताब लेके आऊँ जिसके अंदर मेटल डिटेक्टिंग की सारी जानकारी दी जाए और वो भी हिंदी के अंदर। तो आप चाहते हो कि मैं ये किताब लिखूं तो भाई मेरे को शेयर करना, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी तक ये काम भी कोई ने नहीं किया और मैं चाहता हूं आपके घर तक ये किताब हर डिटेक्टर के साथ मैं दे सकूं, जिससे कि आप लोगों को और आसानी हो हर मशीन चलाने में, हर एक चीज़ को समझने में और हर एक बात जानने में। तो यहाँ पे जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो हमारे मैट्रिक्स M6 के ऊपर बना रहा है, यानी कि वाइट कंपनी का जो ये प्रोडक्ट है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है अगर आप पुराने घरों में हंटिंग करना चाहते हो या फिर आप फील्ड पे हंटिंग करना चाहते हो। ये जो डिटेक्टर है ये काफ़ी साइलेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात इस मशीन के अंदर ये है कि इसको चालू करो और चल पड़ो, यानी कि टर्न एंड गो भी है और साथ में इसके अंदर ट्रैकिंग भी दी है। अब ट्रैकिंग कैसी भाई, मिनरल्स का जब ग्राउंड आएगा तो ट्रैकिंग पे डिटेक्टर को डाल दो और उन मिनरल्स को वो ख़त्म करता हुआ सीधा मेटल पे कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी कि धातु को देखने में सफल होता है, ना कि भाई मिनरल्स यानी कि ना कि धातु के कणों को पकड़ने में ठीक। तो यहाँ पे जो है टर्न एंड गो मशीन है, काफ़ी अच्छी मशीन है और डीप टारगेट के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर डबल डी कॉयल नहीं आई है। अब डबल डी कॉयल नहीं आई है लेकिन कॉन्सेंट्रिक आई है, और किस तरह की, आपको बताए कि वाइट कंपनी ऐसी कंपनी है जो अपनी कॉयलों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर होती है, उसकी कॉन्सेंट्रिक कॉयल दूसरी कंपनियों की डबल डी कॉयल को कड़ी टक्कर देती हैं, ठीक उसी तरह से इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक कॉयल डाली गई है। अब इसके अंदर आप जो कॉन्सेंट्रिक कॉयल डाली गई है वो काफ़ी ईजी सेट लेवल के साथ आती है। किस तरह से कि भाई आप बीच पे चले जाओ, आप मिनरलाइज ग्राउंड पे चले जाओ, आप घरों के अंदर चले जाओ, आप कचड़े की साइड पे चले जाओ, डिटेक्टर बहुत शांत है तो आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आना और गहराई पे ये कॉयल आपको आराम से काम करके देगी। इसके अंदर एडवांस टारगेट आइडेंटिफिकेशन डाला गया, यानी कि ये जो डिटेक्टर है इसके अंदर आप अलग अलग तरह से पता लगा सकते हो कि कौन सी धातु आ रही है। अब देखिए सबसे पहला जो टारगेट आइडेंटिफिकेशन डाला गया वो है ऑडियोबल टोने, यानी कि जो हमारी अलग अलग टोने बजती हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं कि साउंड हमारे कान में किस धातु का आया। तो 7 तरह का इसमें साउंड लगाया गया, यानी कि 7 अलग अलग तरह की टोन इसके अंदर डाल के दी गई हैं जिससे आप अलग अलग तरह से पता लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात VDI नंबर,
अगर देखिए आप VDI नंबर को लेके हमेशा कंफ्यूज होते हैं, जो डिजिटल ID पे नंबर आते हैं उनको लेके कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जंग खाया लोहा भी हाई पे आ जाता है, कभी कभी कॉपर का सामान भी ज़्यादा हाई निकल जाता है, क्योंकि वो भाई इतने सालों से गड़ा है, उसकी जो करंट बन रहा है और जो VDI वैल्यूएशन आ रही है वो बार बार बढ़ रही है, घट रही है, आड़ी टेढ़ी आ रही है। यहाँ पे ध्यान रखना कि कानों पे भरोसा रखना, क्योंकि साउंड डिटेक्टर हमेशा बिल्कुल सही बताता है, तो साउंड पे ज़रूर ध्यान रखना। तो ये चीज़ याद रखना, अलग अलग तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अंदर ईजी टू स्विच मोड 3 पोजिशन टॉगल दिया गया है, यानी कि 3 तरह की पोजीशन से आप फाइंड कर सकते हो, और इसके अंदर जो स्विच मोड डाले गए हैं वो सिर्फ आपके फिंगर पे, यानी कि 3 तरह के इसमें कंपनी के मोड आते हैं जो आपकी एक बटन दबाने पे सेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, इस मशीन की पूरी तरह डिजिटल नहीं है, यानी कि आधे तो आपको कंट्रोल बटन आपके हाथों के इधर देखने को मिलेंगे और VDI वैल्यूएशन अकेले आपको डिजिटल में मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैनुअल के साथ डिजिटल मशीन है ये, यानी कि आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं रह सकते। अब आपको कोई चीज़ सेट करना है तो इसके अंदर बटन सिस्टम डाल के दिया गया है भाई, अपने बटन के हिसाब से आप चला सकते हो। इसके अंदर 8 AA बैटरीज लगती हैं। अब 8 AA बैटरीज यानी कि एवर रेडी घड़ी वाले जो पतले पतले सेल आते हैं हमारे, वो इसके अंदर 8 डलते हैं। बैटरी इंडिकेटर इसके अंदर डाल के दिया गया है जिससे आप बैटरी को समझ सकें। 9.5 इंच की इसकी सर्च कॉयल है, 14 kHz फ्रिक्वेंसी पे ये काम करती है, और LED लाइट भी इसके अंदर डली हुई है, यानी कि विजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके अंदर LED लाइट डाल के दी गई है। और जो आपकी कॉयल है वो वाटरप्रूफ है, आप पानी के अंदर डुबा सकते हो, लेकिन मशीन को नहीं, सिर्फ कॉयल को। 2 साल की इस पर वारंटी आती है। तो दोस्तों ये जो डिटेक्टर है ना, मैनुअल और ऑटो ग्राउंड बैलेंस के साथ आने वाला डिटेक्टर है और स्टेबल डिटेक्टर है, घरों के अंदर ढूंढने के लिए पर्याप्त डिटेक्टर है। अब आप लोग कहोगे कि सर डेप्थ, तो डेप्थ मैं आपको अभी बता दूं कि 9.5 इंच की कॉन्सेंट्रेट कॉयल के साथ अच्छे बड़े सामान पे जो काफ़ी पुराना गाड़ा होगा ये 5 से 7 फुट तक चला जाएगा, और नॉर्मल डेप्थ जो इसकी एयर टेस्ट पास करता है ये वो होती है 4 से 5 फुट की। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप सोचो कि नाक की बाली उतार के मैं 4 फिट पे गाड़ के ढूंढूं तो कभी नहीं पकड़ेगा। अगर वही नाक की बाली को डिटेक्टर, मान लो नया आपने नाक की बाली को गड़ाया 6 इंच से पकड़ रहा है, तो जब पुरानी घड़ी आती है तो वो 12 इंच पे पकड़ेगा। अब मान लो कोई दूसरी चीज़ आप गड़ाते हो, यानी कि मान लो एक प्लेट आप लेते हो और भाई वो 2 फिट पे पकड़ रहा है उस प्लेट को, छोटी सी, अब उसको गड़ा रहने दो, आप 10 साल 20 साल बाद जब उस प्लेट को ढूंढने निकलोगे वो 2 की जगह 4 पे भी गड़ी होगी तो डिटेक्टर उसको पकड़ता है। तो यहाँ पे जो डेप्थ होती है ना दोस्तों, वो सिर्फ मेटल की क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप और पुराने गड़े होने पर ही ज़्यादा गहराई से पकड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई पुराने गहरे के लिए ही ये मशीनें बनाई गई हैं, ना कि नए सामान को देखने के लिए। आप लोग क्या करते हो, ज़्यादातर इनके डेमो करते रहते हो, तो डेमो मत करो मेरे दोस्तों, इनको फील्ड पे लेके जाओ। जो चीज़ आपको नहीं पता कि आपके पाँव के नीचे क्या आ रही है, 2 इंच पे है तो 2 इंच पे निकलवाएगा, 2 फिट पे है तो 2 फिट पे निकलवाएगा, 10 फिट पे है तो हो सकता है 10 फिट पे भी निकलवा दे। मोटरसाइकिल घड़ी हो भाई, पकड़ ले डिटेक्टर, बड़ी बात थोड़ी है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है। तो जो चीज़ जहाँ जितनी पड़ी होती है उस तरह से वो निकलती है, और ये अपने मन से वहम निकाल देना कि गहरे पे डिटेक्टर, अरे यार 2-2 फिट पे सामान मिल रहा है सर, गहरे पे क्यों नहीं जा रहा? इसलिए नहीं जा रहा कि भाई उस ज़मीन में गहरे पे कोई सामान है ही नहीं, तो कहाँ से बता दे डिटेक्टर आपको? ये भी तो है ना भाई, बना के थोड़ी रख देगा डिटेक्टर। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से सुन लेना, इसके अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी दे रहा हूँ, और एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे ये सारी जानकारियाँ दोबारा से चढ़ाने जा रहा हूँ। यानी कि अभी तक आप पुराने सब्सक्राइबर थे तो आपने तो देख रखी हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, नई वीडियो देखे, 1-2 वीडियो देखे फ़ोन लगाए, नहीं, अब आपको दोबारा से ये जानकारियाँ शुरू से मैं देना चालू करने वाला हूँ। यानी कि जो आने वाले वीडियो होंगे वो सारे नई जानकारियों से लैस होंगे, और इन सारी जानकारियों में आपको पूरी तरह से नई नई बातें बताई जाएंगी। तो दोस्तों आपका काम क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर एक वीडियो पे नज़र रखो। इस वीडियो के नीचे जो भी आपके सवाल हैं उनमें कमेंट में लिखते जाओ कि मेरा ये सवाल है, उसका जवाब मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करो, जो भी सवाल मन में आ रहा है लिख डालो, लिख दोगे मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तो अब यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो होगी हमारी अनबॉक्सिंग M6 की, यानी कि ये M6 मशीन है कैसी। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा,
और थोड़ा बहुत आयरन का इसमें टेस्ट दिखा दूंगा। अगली बार इसका एयर टेस्ट लेके आऊंगा और फील्ड टेस्ट भी। तो इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों जैसा आपको ये रखा दिख रहा है वाइट्स का, बिल्कुल प्लेन वाइट कलर में सिंपल बॉक्स, ये है वाइट के M6 यानी कि मैट्रिक 6 का। अब यहाँ आप पीछे देख सकते हो इसका सीरियल नंबर डला हुआ है और लिखा हुआ है मेड इन USA, यानी कि ये अमेरिका का बना हुआ प्रोडक्ट है M6 मैट्रिक्स। ये आप लिखा देख सकते हो, ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस के साथ आता है और मैनुअल ग्राउंड बैलेंस भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं इस बॉक्स के ऊपर पहले ही लिखी आई हैं, बिल्कुल सिंपल प्लेन वाइट कलर के बॉक्स में डिज़ाइन करके इस डिटेक्टर को भाई बॉक्स बनाया गया है इसका। अब चलिए इसका अनबॉक्सिंग हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर निकलेगा क्या क्या। तो जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं हमारी आंखों के सामने आपको देखने को मिल जाएगी M6 की मेन होस्ट यूनिट, यानी कि जो M6 की मेन यूनिट होती है वो आपको देखने मिल जाएगी। जैसा आप ये देख रहे हैं ये है आपका ओनर्स गाइड यानी कि यूज़र मैनुअल। अब इस यूज़र मैनुअल में आप देख के चला सकते हो, सीख सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती है, और नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल मशीन है। मैं आपको ज़रा में सिखा दूंगा अगले वीडियो में, मैं इसके आपको फंक्शन फ़ीचर भी थोड़े बहुत समझा दूंगा। यानी कि अभी नॉर्मल फंक्शन फ़ीचर समझने के लिए भाई आपको ज़्यादातर तो वीडियो पुराने मेरे चैनल के देखते रहने चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा है ये आपकी शाफ्ट है जो कि आपके डिटेक्टर की हाइट और लेंथ बढ़ाने के काम, यानी कि लंबाई बढ़ाने और घटाने के काम में आती है। अब इनके बारे में जानना हो तो भाई हर एक डिटेक्टर की असेंबली सेम होती है, यानी कि इनको एक तरह से जोड़ सकते हो। तो कहीं के भी डिटेक्टर का वीडियो देख लो, असेंबली मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जोड़ना तोड़ना मेरे कई वीडियो में पहले ही बता रखा है। अब ये है स्क्रू के नट और ये है हमारा बैटरी कंपार्टमेंट। जैसा कि आपको ये दिख रहा है ये है हमारा बैटरी का कंपार्टमेंट। ये हमारे डिटेक्टर में 8 सेल डलते हैं इस कंपार्टमेंट के अंदर और फिर ये कंपार्टमेंट हमारी मेन यूनिट में पीछे की तरफ लग जाती है। और ये है इसकी 9.5 इंच की कॉन्सेंट्रिक कॉइल जो कि काफ़ी फेमस है क्योंकि वाइट कंपनी अपनी कॉइल्स के लिए ही जाना जाता है, यानी कि इनसे अच्छी कॉइल वर्ल्ड में कोई भी कंपनी डिज़ाइन नहीं करती। और ये मेड इन USA 1950 से ये कंपनी डिटेक्टर बना रही है, तो आप समझ सकते हो इतनी पुरानी कंपनी है और वर्ल्ड में इसका नाम कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वाइट्स का M6 है मैट्रिक 6 काफ़ी अच्छा डिटेक्टर है, यूनिट में आप लिखा देख सकते हो आयरन गोल्ड सिल्वर। तो यहाँ पे जो रीडिंगें आ रही हैं सिल्वर पे याद रखना दोस्तों, आपका स्टील भी आता है, आयरन पे याद रखना दोस्तों, कभी कभी आपका एलुमिनियम भी आता है, एलुमिनियम और गोल्ड एक पे ही जाएगा और जिंक कॉपर निकल आपका गोल्ड और सिल्वर के बीच में आएगा। अब जैसा ये आपको बटन दिख रहे हैं ये मोड हैं आपके, बीच मोड पे लगाओ तो बीच मोड लॉक ऑफ कर दो, लॉक ऑन कर दो, ऑटो ट्रैक पे रखना है ऑटो ट्रैक कर लो, यानी कि आप ग्राउंड बैलेंस भी कर सकते हो। ये दूसरा हमारा सेंसिटिविटी, भाई कितना सेंसिटिव होकर डिटेक्टर काम करे आपका। तीसरा है हमारा डिस्क मोड, भाई कौन सी चीज़ें आपको लेना है कौन सी हटाना है, यानी कि ये बटन के रोलरों से ही आप लगा सकते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे इस डिटेक्टर की यही है कि भाई हाथों से मैन्युअली आप कोई भी बटन से सेट कर सकते हो डिटेक्टर, आपको डिजिटल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो आसान पड़ेगा आपको चलाने में भी, और आप बिल्कुल अगर आप इसको चलाना चाहते हो 2 मिनट में आप इस डिटेक्टर की ऑपरेटिंग सीख जाओगे। तो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो वाइट की सील लगी हुई है, इस सील के अंदर ही, मतलब इस सील के जब कंपार्टमेंट को हम खोलेंगे तो जिस तरह V3I में हम खोलते हैं, जैसा आपने देखा होगा इसको हम ऊपर की तरफ को धकाएंगे, भाई अंगूठा लगा के ऊपर को धीरे से उठाना है। अगर आपको नहीं पता है तो भाई इसके पीछे लिखा हुआ है क्विक स्टार्ट के किस तरह से आपको डिटेक्टर को ऑपरेट करना है। तो इसके अंदर आप बैटरी कंपार्टमेंट डाल सकते हो जैसे कि V3I स्पेक्ट्रा में मैंने डाल के बताई थी। अगर आपको इस वीडियो में समझ में ना आए कि किस तरह से डालना है तो V3I का वीडियो चला के देख लो दोस्तों, उसके अंदर भी मैंने बैटरी डाल के आपको बताई है। ये हमारा पिन पॉइंट का स्विच दिया हुआ है और हमारा भाई किस चीज़ का ग्राउंड बैलेंस का स्विच दिया हुआ है, तो हम इससे ग्राउंड बैलेंस और पिन पॉइंट भी कर सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों इससे हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, ज़्यादातर पिन पॉइंट के काम में ये स्विच इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ इस डिटेक्टर के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है और वाइट इलेक्ट्रॉनिक ट्रूली मेड इन USA है, यानी कि अमेरिका का प्रोडक्ट है। तो आप समझ सकते हो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है।
तो यहाँ पे देखिए असेंबली मैंने दिखाई नहीं, असेंबल करके यूनिट को रख दिया है, अकेले बैटरी अभी नहीं डाली है जिससे कि आपको बैटरी डालना सिखा सकें। तो देखिए आपको क्या करना है, ये कुंदे जो फंसे रहते हैं इनको ताकत नहीं लगाना, खाली नीचे से ऊपर को धक्का देना है। अब नीचे से जब आप उंगली डाल के इनको ऊपर को धक्काओगे तो एक सूटकेस के बटन की तरह ये खुल जाता है, और ये कंपार्टमेंट खुलने के बाद आप इस बैटरी को अंदर डाल सकते हो। ये बैटरी है आपकी, इसके अंदर सेल डलते हैं आपके, तो इसको इस तरह से आप डाल दो। अगर अच्छे से समझना है तो V3i के अंदर मैंने इसकी पहले से बताई है कि किस तरह से भाई बैटरी को डालना है और किस तरह से इसमें बैटरियां लगती हैं। तो ये आपने देखिए बैटरी डाल दी और ये हमारी मशीन भाई तैयार हो चुकी है। और इसको अब हम देखिए चालू करने क्या करेंगे, सेंसिटिविटी के बटन से ऑन करेंगे, हमारी मशीन चालू है जैसा आपको आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए अब हम इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा और घटा उसी बटन से सकते हैं, यानी कि हम उसी बटन से हमारी सेंसिटिविटी बढ़ा घटा सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे कम सेंसिटिविटी में VDI वैल्यू सामने लिखा आ रहा है डिजिटल स्क्रीन पे। अब ये स्क्रीन का कोई काम नहीं है, खाली इस पे VDI वैल्यूएशन आप पढ़ सकते हो। मेन स्विच और कंट्रोल स्विच आपके यहाँ है, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ हटाना है तो उल्टे हाथ पे जो डिस्क लिखा हुआ है उससे आप रोलर घुमा के जो चीज़ें नहीं लेना चाहते वो हटा सकते हो। जैसे कि अभी आयरन पे देखिए आप टेस्ट, यहाँ पे कमलेश जी क्या करने वाले हैं देखिए। अभी ये आयरन लिखा आ रहा है, आयरन को ये अच्छे से पकड़ रहा है जैसा आपको दिख रहा होगा। अभी डिस्क्रिमिनेशन चालू नहीं है मशीन का, और जैसे ही आपका माइनस में देखिए रीडिंग आ रही है। क्यों आ रही है माइनस में, क्योंकि आयरन का ऑब्जेक्ट है। वाइट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि लोहे की चीज़ों पर माइनस में बताती है। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेशन मोड पर मशीन किस तरह से काम करती है। ये देखिए माइनस में लिखा आ रहा है, आप देखिए कमलेश जी डिस्क्रिमिनेशन मोड इसका फुल हाई कर दिए, और ये देखिए मशीन बिल्कुल साइलेंट, लेकिन स्क्रीन पे सिर्फ लिखा देखेगा, साउंड आपका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं वाइट का M6 काफी अच्छा मशीन है। ये सिल्वर कॉइन पे देखिए रीडिंग प्लस 75-76, ये आपकी गोल्ड सिल्वर की रेंज जहाँ से स्टार्ट होती है ये वहाँ से आपको रेंज दे रहा है। तो यहाँ पे आपका ये स्केल चार्ट भी लगा हुआ है नीचे चांदी का बना हुआ कि भाई 70 से ऊपर चांदी आती है, तो जैसा आप देख सकते हैं। तो M6 है भाई, इसका अनबॉक्सिंग मैंने कर दिया है, अब इसका एयर टेस्ट जो है मैं बाद में लेके आऊँगा। कैसा लगा वीडियो मुझे, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल पे मेटल डिटेक्टर का गिव अवे अभी भी जारी है, यानी कि 50,000 सब्सक्राइबर पे भाई एक किसी एक लकी वन को वाइट का MX स्पोर्ट मिलने वाला है, जैसे कि 10,000 सब्सक्राइबर पे विक्रम देशमुख जी को मैंने दिया। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब, और डिटेक्टर खरीदना है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है, ठीक है। और अपने अपने सवाल इस वीडियो के नीचे आप सब लोग डाल दो जिससे कि आपको सवालों के जवाब मैं दे सकूं। अगला वीडियो उसी चीज़ पे आएगा, आपके सवाल और मेरे जवाब। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो चैनल।